वही मक्खन है जो मैंने कल आपको दिखाया था वीडियो में, मैंने इस सॉरी ये मिलाई है और इसका मैंने निकालना है मक्खन, तो मैं वही निकालने जा रही हूँ मक्खन। ये गाइस देखिए ये है मिलाई बहुत सारी और इसमें मैंने गुनगुना पानी डाला है, गुनगुना पानी करके मैं इसको ऐसे हिलाई जा रही हूँ, हिलाई जा रही हूँ, हिलाई जा रही हूँ और इससे निकल जाएगा मक्खन, फिर मक्खन से निकलेगा देसी घी। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ना गुनगुना पानी डाल रही हूँ। मैं इससे निकालूंगी मक्खन इससे। देखिए गाइस ये मक्खन जो है इसमें से अलग हो गया है और इसने पानी जो है वो अलग कर दिया है। ये देखिए पानी अलग है और मक्खन ऊपर अलग आ गया, तो मैं इस मक्खन को निकाल देती हूँ। मैं यहाँ पर कर देती हूँ मक्खन मक्खन। देखिए गाय जी इतना सारा मक्खन निकला है, मतलब मलाई में से मैंने निकाला है इतना सारा मक्खन और अब इसका बनेगा देसी घी। तो मैं सारा इसको इसमें डाल रही हूँ एक दूसरे, क्या हो रहा है आज, तो सारा मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं अब गैस के ऊपर रख दूंगी और हिलाते। देखिए ये बन रहा है घी, ये जो मक्खन है ये मेल्ट हो जाएगा ना, उसके बाद इसको इसमें से घी निकल जाएगा और ये इसमें से ये निकला है, उसको लस्सी भी बोल देते हैं कि लस्सी वगैरह, कढ़ी बना लो इसकी चाहो तो कढ़ी। इसमें से मैंने मक्खन निकाला है अभी, इतने मेरा उधर घी बन रहा है। मैं आलू छील लेती हूँ, मुझे बनाना है आलू की सब्जी लंगर वाली। आलू मेरे उबल गए हैं, ये आलू मेरे उबल गए हैं तो मैं इसको छील लेती हूँ। जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। गर्म पानी में हाथ दे दिया हूं ना मैं डफर। मैंने मिला लिया इसमें ठंडा पानी, अब छीलती हूँ, हाथ जल जाएगा मेरा भी। तो इसको भी हिलाना जरूरी है नहीं तो ये जल जाएगा। ये आलू तो बेकार लग रहा है, मीठा लग रहा है। एक प्यार का नगमा है मौजों की गवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की गवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। कुछ खो कर पाना है, कुछ पा कर खोना है, जीवन का मकसद तो आना और जाना है। दो दिन की कहानी में एक
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना, मेरे गाने निकाल देंगे। काम कम करती हूँ, गाने ज्यादा गाती हूँ ना। यार आदमी पता नहीं क्यों ऐसे लग रहे, मीठे मीठे टाइप के। सही नहीं देख लिया, 20 रुपए किलो कह रहा था कि मीठे नहीं होंगे, पर मीठे लग रहे हैं मुझे। गली में देखे जाते हैं ना, बड़ी बेकार सब्जी देखे जाते हैं, सोचते हैं घर पे इनको दे रहे हैं तो ये ले ही लेंगे, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। पर बेकार आलू देखे। दूसरी साइड बना रही हूँ सब्जी, घी नहीं बना अभी तक, देख लो। कल शनिवार है, परसों इतवार है, 2 दिन का लॉकडाउन। दिल्ली में तो लॉकडाउन है 2 दिन का। तो देखो जी, हस्बैंड मेरे शायद घर पे हों तो अच्छी बात है, उनके साथ वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अकेली रहती हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके साथ क्या बनाऊँ, उनको कुछ समझ ही नहीं है। तो हस्बैंड जी कल घर पे होंगे, शनिवार इतवार है, लॉकडाउन है तो छुट्टी होगी, तो उनके साथ वीडियो बनाने को मिलेगा। हस्बैंड घर पे होते मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैमरा सेट करना बड़ा मुश्किल है। जीरा, इसमें डाल दिया मैंने जीरा, और अब डालूंगी मेथी दाना। मेथी दाना हिंग तो है नहीं, सब्जी मैंने बना रही है। थोड़ी देर घी बन रहा है, घी बनने में टाइम लगता है, मैं सिम पे बना रही हूँ, घी बन बनता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा घी बन गया, ये जितना भी घी है सब, ये जितना भी दिख रहा है ये सब घी है। देखिए ये सब घी है, देसी घी, और इसको मैं अब साफ बर्तन में छान लूंगी, ठंडा होने के लिए रख देती हूँ पहले। ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको छान लूंगी। ये सारा घी बन गया। तो गाइस देखिए, ये सारा मैंने घी बना दिया है और काफ़ी सारा घी निकला है। ये देखिए, मैं इस घी को अब छान ले रही हूँ। ये देखिए उस पर रंग कैसा लग रहा है। तो गाइस देखिए, इतना सारा घी फुल भर गया, पता नहीं उसमें ग्रीन क्यों आ रहा है। ये देखिए, ये सारा घी निकला है।
ये भी मैंने आपके सामने ही कर। हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 11 और मैं धो रही हूँ बर्तन। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। रात को धो के सोऊं तो सुबह ज्यादा काम नहीं होएगा। चलिए गाइस, मैं अभी फोन काटती हूँ इस वीडियो को एंड गुड नाइट आप सभी को। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस। मैं ये गर्म कर रही हूँ खोया पीस, जिसे बोलते हैं, जो दूध में घी में से निकली है। ये मैं दूंगी अपने हस्बैंड को खाने के लिए। ये देखिए, रात के समय खेल रहे हैं फुटबॉल। फुटबॉल मैं जीतूंगा। अच्छा, मेरे को एक गोल चाहिए थी। अरे यार, जीत गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जीत गया। आपके सिक्स में मेरे नाइन में, ज्यादा मत बोलो। घर में कौन खेलता है? हम खेलते हैं। पागल हो आप लोग। ये देखो, सभी ये खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं रात के 10 बजे। ये फुटबॉल खेल रहे हैं रात के 10 बजे। ये देखिए टूर्नामेंट। लो ये खा लो पहले। तो गाइस, हमने खाना वगैरह खा लिया है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। और ये रात के 10 बजे चाय बन रही है।